Hello friends, welcome back to my channel My GK Study, and here is another video on GK top 10 repeated question in the government examination. And agar aapne mera channel subscribe nahi kiya hai to koi jaldi baji nahi hai, aaram se subscribe kar lena, but please share zarur kar dijiyega taki other ko bhi ye information mil paaye. To chaliye shuru karte hain question number 1 se. Question number 1 hai bhartiya nagrikon ke dastavejon ke online satyapan tatha anupraman ke liye e-service ka kya naam hai. चार ऑप्शन है, टेली लॉ, ई सनद, सुविधा संपदा. इसका राइट आंसर है ई सनद. एक्सप्लेनेशन नीचे दी गई है. भारत सरकार ने विदेश जाने वाले व्यक्तियों के दस्तावेजों के सत्यापन की प्रक्रिया को डिजिटलाइज यानी कि अंक रूपण करने हेतु मई 2017 में ई सदन सर्विस की शुरुआत की, जिससे उन्हें इस उद्देश्य के लिए सरकारी कार्यालयों पर जाने की समस्या से बचाया जा सके. ये आरंभ में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE की सहायता से स्कूल छोड़ने वाले लड़कों के परिणाम पत्रों की जांच करेगा. तो राइट आंसर जो था वो है नंबर 2. मैं मार्क भी कर देता हूँ यहाँ पे, ये रहा नंबर 2, दिख नहीं रहा है, मैं रेड कलर से कर देता हूँ नंबर 2. बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन है अरुण ग्रह की खोज किसने की थी. चार ऑप्शन है, विलियम हर्सेल, कार्ल रिडर, आर्नोल्ड फासिस्टिनी, स्ट्रोबो. इसका राइट आंसर है 1, विलियम हर्सेल. ब्रिटिश खगोलीय विलियम हर्सेल ने 13 मार्च 1781 को यूरेनस ग्रह की खोज की थी. ये प्राचीन काल के बाद खोजा गया था, मतलब उस समय के बाद प्रथम ग्रह था. उन्होंने इसकी खोज 1785 से लेकर 1789 के मध्य इंग्लैंड के वेधशाला ग्रह में निर्मित 40 फुट और इसको 12 मीटर कहते 12 मीटर के टेलीस्कोप से की थी. यूरेनस आकाश का एक प्राचीन देवता और यूनान के आरंभिक पौराणिक देवताओं में से एक है, जिसे किसी समय में आकाश का पिता भी कहा जाता था और गया या धरती माता का पति और पुत्र माना जाता है. ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन है, स्ट्राइक आउट किस खेल से संबंधित है. क्रिकेट, स्नूकर, बेसबॉल, टेनिस. तो इसका राइट आंसर है बेसबॉल, या इसे सॉफ्टबॉल में भी कहते हैं. मतलब स्ट्राइक आउट तब होता है जब बैटर बैट के समय के दौरान 3 प्रहार करने में सफल होता है. इसका अर्थ है कि बैटर आउट है. स्ट्राइक आउट को सांख्यिकीय के रूप में पिचर्स और बैटर्स दोनों के लिए रिकॉर्ड किया जाता है और इसे की द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन है, कसीदा एक प्रकार की कढ़ाई है जो भारत के किस राज्य में प्रसिद्ध है. चार ऑप्शन है, पंजाब, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, राजस्थान. इसका राइट आंसर है जम्मू एंड कश्मीर. कश्मीरी कढ़ाई को कसीदा के रूप में भी जाना जाता है. मानकों और धागों जैसे साधनों के प्रयोग से बने कशीदा का प्रयोग फिरान, ऊनी मतलब नामदा के अतिरिक्त दुपट्टों के लिए किया जाता है. ये कलाकारी मुख्यतः प्रकृति से प्रेरित है. पक्षी, कली और फूल, लताएं, चिनार की पत्तियां, आम, कलम और वृक्ष इस कला के सबसे सामान्य विषय हैं. ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर 5वां है, सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्राप्त करने वाले सर्वप्रथम महिला क्रिकेटर कौन है. चार ऑप्शन है, मिताली राज, डूनल गोस्वामी, शांतारंगा स्वामी, हरमनप्रीत कौर. इसका राइट आंसर है 3, पूर्व भारतीय महिला क्रिकेट कप्तान शांतारंगा स्वामी को फरवरी 2017 में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के प्रथम महिला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड हेतु नामित किया गया था. वे इस सम्मान के लिए चुनी गई प्रथम महिला है. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन है, नंदा देवी पर्वत चोटी भारत के किस राज्य में स्थित है. चार ऑप्शन है, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम. इसका राइट आंसर है उत्तराखंड. उत्तराखंड गढ़वाल हिमालय का भाग है जो कि उत्तराखंड राज्य के पश्चिम में ऋषि गंगा घाटी और पूर्व में गौरी गंगा घाटी के मध्य में स्थित है. इस पर्वत चोटी जिसका नाम का अर्थ है परम आनंद देने वाली देवी को उत्तराखंड हिमालय की संरक्षण देवी के रूप में भी जाना जाता है. नंदा देवी भारत की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर 7,
क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत की मल्टी एप्लीकेशन सोलर टेलीस्कोप मस्ट MAST को सौर वेधशाला में परिचालित किया गया था, किस में किया गया था? एक्चुअली में चार ऑप्शन है, उदयपुर, जयपुर, कोडेकनल, अहमदाबाद। तो इसका राइट आंसर है एक, उदयपुर। मल्टी एप्लीकेशन सोलर टेलीस्कोप MAST मस्ट अपने चुंबकीय क्षेत्र के साथ सौर मंडल की गतिविधि का विस्तृत अध्ययन करने के लिए प्रयुक्त होने वाला टेलीस्कोप है। इसे फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी के उदयपुर सौर वेधशाला में परिचालित किया गया है, जो कि अंतरिक्ष विभाग की एक स्वायत्त इकाई है। MAST मस्ट 50 सेंटीमीटर एपर्चर के साथ अक्ष से दूरी पर स्थित एक ग्रेगोरियल काउड टेलीस्कोप है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है, अभिनव भारत सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरीज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? जवाहरलाल नेहरू, विनायक सावरकर, महात्मा गांधी, भगत सिंह। इसका राइट आंसर है विनायक सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर और उसके भाई गणेश दामोदर सावरकर द्वारा 1903 में स्थापित अभिनव भारत सोसाइटी, यंग इंडिया सोसाइटी इसको कहा जाता है, एक गुप्त संगठन था। इस संगठन ने कुछ ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या कर दी थी, जिसके बाद सावरकर भाइयों को दोषी ठहराया गया और कैद कर लिया गया था। इस संगठन को 1952 में औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया था। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? विसरण, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, परिक्रमण, परावर्तन। तो इसका राइट आंसर है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, सॉरी परावर्तन। ऑप्टिकल फाइबर कांच या प्लास्टिक का एक पतला फाइबर है, जो प्रकाश को एक सिरे से दूसरे सिरे तक वहन कर सकता है। यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्टिकल के बिल्स को इस प्रकार डिजाइन किया गया है कि वे TIR का प्रयोग करते हुए प्रकाश की किरणों को आंतरिक रूप से मोड़ते हैं और प्रकाश की किरणें निरंतर गति करते हुए ऑप्टिकल फाइबर से टकराती हैं और एक सिरे से दूसरे सिरे तक डाटा संप्रेषित करती हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है, वैयक्तिक प्रयोज्य आय से क्या अभिप्राय है? इसमें चार प्रकार के ऑप्शन है, व्यक्तिगत आय प्लस अनुदान, व्यक्तिगत आय माइनस अनुदान, व्यक्तिगत आय माइनस प्रत्यक्ष कर, व्यक्तिगत आय माइनस अप्रत्यक्ष कर। तो इसका राइट आंसर रहेगा नंबर 3, व्यक्तिगत आय माइनस प्रत्यक्ष कर। डिस्पोजेबल आय, जिसे डिस्पोजेबल व्यक्तिगत आय DPI के रूप में भी जाना जाता है, वह राशि है जो कि घरों में व्यय के लिए उपलब्ध है और आय करों के बाद बचत के लिए जिम्मेवार है। इससे इस प्रकार व्यक्त किया जाता है कि DPI इज इक्वल टू व्यक्तिगत आय माइनस व्यक्तिगत आयकर भुगतान। तो ऐसे होता है, आयकर प्रत्यक्ष कर का एक उदाहरण है, इसलिए DPI इज इक्वल टू व्यक्तिगत आय माइनस प्रत्यक्ष कर। तो ये थे टॉप 10 क्वेश्चन, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप CISF के भी अभी फॉर्म निकले हुए हैं, तो इसमें भी आने के बहुत ज्यादा चांसेस है, तो आप इसे जरूर देख लीजिएगा और दूसरों को भी शेयर कीजिएगा। और साथ ही मैं नेक्स्ट वीडियोस भी लेके आ रहा हूँ, जिसमें मैं CISF के बहुत सारे रिपीटेड क्वेश्चन डालने वाला हूँ। तो प्लीज आप एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, अगर आपको पहले वीडियो देखनी है मेरी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच।